क्या नहीं दिया, खाने के लिए राशन दे रहा है, चलने के लिए पक्की रोड बनवा दिया, पट्टी बनवा दिया, घर बनवा दिया, सब काम मोदी के लिए। महंगाई है, महंगाई क्या है, क्या महंगाई है? चुनाव हुआ वहाँ, अरे घोसी उपचुनाव हो चाहे मने की इटावा हो, ये सब चुनाव है, चुनाव के लेकर आप क्यों परेशान हो? परिवर्तन क्यों लगता है परिवर्तन? ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अब जनता अपना समझ रहा है कि बीजेपी से लोगों का राहत भी है और अच्छा भी दिख रहा है। जैसे क्या राहत? राहत मतलब ये है कि दंगा फसाद भी नहीं हुआ। एक आदमी 5 किलो राशन एक महीना खाएगा वो। नमस्कार, मैं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं JK 24/7 News। इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा यानी घोसी उपचुनाव उसने जीत लिया है और चुनाव जीतने के बाद इतना गदगद है कि वो अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आया है वो क्या बीजेपी के लिए टेंशन है या नहीं है? तो इस समय हम प्रयागराज में हैं और यहाँ लोगों के बीच माहौल लेने आए हैं कि आखिर ये जो घोसी उपचुनाव हुआ है, जो उसके नतीजे आए हैं, वो बीजेपी के लिए टेंशन है या नहीं है? माहौल किसका है, क्या नाम है आपका? टेंशन है बीजेपी वालों के लिए। टेंशन है? हाँ। क्यों लगता है टेंशन? और का, क्योंकि अब रिजल्ट आना शुरू हो गया, ऐसे ही बदलाव होगा तभी तो सरकार बदलाव करेगी। जैसे होगा फिर चुनाव होगा, फिर ऐसे सीटें बढ़ती जाएंगी आने वाले समय, सपा का फिर दबदबा हो जाएगी। योगी सरकार काम काज अच्छा लगा या नहीं लगा? सही है, ठीक ठाक है, लेकिन अखिलेश का भी ज्यादा अच्छा था। ज्यादा अच्छा था। तो ये इंडिया गठबंधन जो 26 दल थे अब 28 हो गए हैं, लगता है इस बार जो लड़ाई है कैसी होने वाली है? हाँ, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? हाँ, क्यों लगता है परिवर्तन? ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अब जनता अपना समझ रहा है, देख लिए जो देखना। क्या देखा, क्या समझा? अरे यही कि हर चीज महंगाई देखते हुए हर एक चीज अपना समझ रहे हैं। आप इसका देखिए, वहाँ चुनाव हुआ उसका परिणाम सामने आया। सिलेंडर में 200 रुपये घटा तो दिए। अरे 200 रुपये घटा दिए तो क्या हूँ ज्यादा, मनमोहन जबराद 500-700 मिलता था, 1200 रुपये, अभी 200 चुनाव आया तो उसको 200 घटा दिए। अच्छा, आप कह रहे हैं चुनाव देखकर घटा दिए? हाँ, और क्या, इसके पहले नहीं घटाए और 1200 पहुँचा था, अब 1000 हो गया है, 20 रुपये ऐसे मिल रहा है, 1020। मैं मुकुल लाल, बीजेपी हो या BSP हो या तो सपा हो, जो देश में सही काम करेगी, जो गरीब दुखिया की रक्षा करेगी, वो चाहे गैस को हो या अन्य समाज के कोई भी कार्य हो, उस सब के देखते हुए काम जो सही करेगी उसी की तरफ जनता रहेगी। तो मोदी जी गरीबों की मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं, गरीबों की मदद तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो 1200-1300 ऐसा नहीं होना चाहिए। 200 रुपये घटा तो दिया? नहीं नहीं नहीं, 200 रुपये की बात नहीं है। 200 रुपये खाली, अब जैसे मान लीजिए 5 किलो का राशन हुआ, क्या एक आदमी 5 किलो राशन एक महीना खाएगा? वो 5 किलो में जिंदा रहेगा? 24 में कौन आना चाहिए? 24 में हम चाहते हैं कि बीजेपी ही रहे। इतनी सारी कमी गिना रहे हो, फिर कह रहे बीजेपी ही रहे? नहीं 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 नहीं, कमी नहीं गिना रहा हूँ, ये अपना कंट्रोलिंग कर लें, इस समस्या हल कर दें, सारी काम कमी दूर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते तो ये जनता है, किसी की ओर किसी को समझेगी वो दे देगी। यानी ये सब नहीं किया तो आप भी पलट जाएंगे? बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे जनता, क्या करेगी गरीब जनता, क्या करेगी? वादा 20 हो या 50 हो या 1 लाख हो, उसी मतलब नहीं होता, ये जनता है। या कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सिंह पटेल है। ये आपका खेला? नहीं जी, अच्छा, नया मोई से ही। अच्छा, वैसे ही। क्या लग रहा है 2024 में? अब 2024 में तो भाई हमारा तो यही लक्ष्य है कि बीजेपी की ही सरकार बने, बीजेपी की ही रहे। क्यों रहे? क्योंकि बीजेपी से लोगों का राहत भी है और अच्छा भी दिख रहा है। जैसे क्या राहत? राहत मतलब ये है कि दंगा फसाद भी नहीं हो रहा है, राजनीति भी कम हो गई है और लोगों को भी राशन भी मिल रहा है, खा रहे हैं, फ्री का भी खाए हैं। अरे ये घोसी उपचुनाव जो हार गए, तो लगता है ये प्रदेश का माहौल कुछ इधर उधर हो गया या फिर? अब देखिए, अब चुनाव तो भाई किस प्रकार से हार गए, अब उसकी कमी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल ये है कि ये सरकार अच्छी चल रही है। लोगों में जो आप उठ बैठ रहे हैं, माहौल किसका लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है?
माहौल तो कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर बीजेपी का लग रहा है, ज्यादातर बीजेपी का। हाँ अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब यहाँ जनता मतलब अपने अपने ही फायदे की ही बात करती है, तो जो मेहनत परिश्रम से खाने कमाने वाला इंसान है उसके लिए तो बीजेपी की ही सरकार अच्छी है, और जो इधर उधर 420 करने वाले हैं उनकी सरकार वो अखिलेश की चाहते हैं। हाँ मतलब आप कह रहे हैं जो 420 करते हैं अखिलेश की सरकार चाहते हैं। हाँ क्योंकि मेहनत परिश्रम से खाओ जो सरकार के मिल रहा हो रहा है, अब इसमें जो है दलाली बजाजी नहीं हो रही है, उसमें होती थी, ये इसलिए भाई जनता चाहती है कि उनकी बने, और जो जनता यही चाहती है कि हमको मेहनत परिश्रम से कमाना है, और सरकार जो भी दे रही है तो वो सरकार बीजेपी की ही चाहेगी। अच्छा बीजेपी की चाहते हैं, कुछ और भी लोग हैं इधर बैठे हुए। जवाहरलाल पटेल, पटेल जी क्या लग रहा है 2024 में किसका माहौल लग रहा है? ये खुल्ला में यार कि उसमें 2024 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ ये देखिए घोसी उपचुनाव हुआ वहाँ हार। अरे घोसी उपचुनाव हो चाहे मने की इटावा हो, ये सब मतवासी चुनाव हैं, ये चुनाव के लेकर आप क्यों परेशान हैं? ये लिए जब उसके पास पूर्व बहुमत है, देख एक सीट अगर निकल गई तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। इंडिया गठबंधन वाले खुश हैं, कह रहे हैं पूरी 80 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश की। गठबंधन कभी अपना परिवार नहीं चला पाते तो गठबंधन कैसे चला पाएंगे? बोलो, और जो 28 दल इकट्ठा हुए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? 28 दल कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपना घर बचाएं। ये तो कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मुद्दे हमारे पास महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हैं। महंगाई है, महंगाई क्या है, क्या महंगाई है? जिसने कहा महंगाई है उनसे पूछो कि महंगाई है। अच्छा क्यों लगता है बीजेपी किन मुद्दों पर जीत जाएगी? अरे ओके अंदर कौन खूबी नहीं, तो गुंडाराज, महंगाई तो हमेशा चली आई है परसेंटेज में। जब 4-4 रुपया तनख्वाह मिलती, जहाँ 57-58 हजार रुपया हो गए, 70 हजार रुपया, तो महंगाई कहाँ से रह गई? आलू 7 रुपया 15 रुपया बोरा बिकती थी, आज 400-500 रुपया 600 रुपया बोरा भी क्विंटल बिक रही है, महंगाई कहाँ से रह गई? हाँ, मुद्दे आप गिना रहे थे कि किन मुद्दों पर बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी पहली बात तो गुंडा राज खत्म किया, कानून व्यवस्था दुरुस्त, कानून व्यवस्था उसका दुरुस्त है। और बोलो और क्या, एक तो कानून व्यवस्था हो गया और दो चार बताइए और क्या बताएं हम, उसके अंदर कमी हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा कोई कमी नहीं है? कमी नहीं है, बीजेपी ने सारे मुद्दे खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। हाँ, आपको भी लगता है बीजेपी ने सारे मुद्दे खत्म कर? यहाँ पानी नहीं आ रहा भाई साहब, यही दिक्कत है हम लोग को, पानी बस चाहिए बस, और मुद्दा सब सही है, बाकी सब सही है। तो 24 में कौन आना चाहिए? 24 में तो आएगा मोदी, आएगा कौन आएगा यार? मोदी क्यों आएंगे? मोदी पानी फेंगे तो आवाने का मतलब है मोदी आवेगा, मतलब है आपको क्या लगता? कहा हमका लगा था बीजेपी का, हम लोग हैं बीजेपी को वोट देंगे, वो क्या नहीं दिया, खाने के लिए राशन दे रहा है, चलने के लिए पक्की रोड बनवा दिया, पट्टी बनवा दिया, घर बनवा दिया, सब का मोदी के लिए ही का ले ही बताओ। महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई कहा, कब महंगाई नहीं रहेगी, किसके सरकार में महंगाई नहीं रहेगी? क्या वो बीजेपी नहीं रहेगी तो महंगाई खत्म कर देंगे? बीजेपी को हराने के लिए कुछ नहीं है, वही चीज सब बराबर कर रहा है। आज तनख्वाह कितनी हो गई है तब उसी के आधार पर हर एक चीज महंगा। बीजेपी को हटाने के लिए 28 दल इकट्ठा हुए हैं, एक को देखी रोमन उखाड़ पाई है 28 दल। हाँ कोई असर नहीं हो, कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी नीतीश, राहुल गांधी तो 3% नीचे चला गए, कहूँ रह गए, कांग्रेस सफाया हो गई। घोसी में उपचुनाव हुआ बोल रहे हैं, वो एक सीट बड़े हम लोग ध्यान नहीं दे, अरे तनिक तसल्ली रहा है उनका, ए बड़े उसको छोड़ दे। अब आई 24 वाला चुनाव तब देखे, 24 वाला चुनाव है, तेज बहादुर मोदी है। क्या लग रहा है 2024 में किसका? हम सब बीजेपी वाले ही, बीजेपी में ठीक है जो ना है सब वही, हम सब यही ज्यादा हमसे न पूछे। आपको क्या लग? बस वही भाजपा, 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 भाजपा को हटाने के लिए जो ये 28 दल इकट्ठा, अरे वो 28 दल लगा रहा है, 28 दल लगा रहा है बस। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है जनता को परेशान कर दिया है। विपक्ष वाले का कारण है 70 साल 50 साल, हाँ 50 साल का कारण है। आज कितनी रोड, कितनी
देश कितना का हो जाता है बताओ, ये विकास नहीं ना तब। अच्छा इतना विकास हुआ फिर भी घोसी उपचुनाव, अरे राजकाज काम है, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे, इसमें कौन सी बात, माहौल बदल रहा है थोड़ा बहुत? ना ना कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं बदलेगा। तो ये हम जनता के बीच में थे और बता देंगे हम प्रयागराज में हैं और लगातार आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आज जो आज का सवाल यही था कि जो घोसी उपचुनाव हुआ है, जो वहाँ के नतीजे आए हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहे हैं? तो ये आपने पूरी बातचीत सुनी, इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।